नमस्कार मित्रों, आज एक कमेंट आया है कि सर नया घर बना रहा हूं, उसमें मुझे मकान में खिड़कियां कौन सी लगानी चाहिए। आजकल कई टाइप की खिड़कियां चल रही हैं, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा कि मुझे किस तरह की खिड़कियां लगानी चाहिए। देखिए मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन किया है आपने और आज हर आदमी की ये जरूरत है। रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें आदमी के जीने के लिए विशेष होती हैं और तीनों चीजों में से रोटी और कपड़ा ये दो जुगाड़ तो आदमी कैसे जैसे कर ही लेता है, मगर मकान बनाने का सपना हर आदमी का पूरा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में 10 मकान बना लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में एक झोपड़ी तक नहीं बना पाते। इसके पीछे भी कई कारण हैं, कभी फुर्सत मिली और कोई ऐसा टॉपिक आया तो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि आज जिस मुद्दे पर अपन बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात करनी जरूरी है। देखिए सज्जनों, मकान बनाने के लिए आजकल 5 टाइप की खिड़कियां चल रही हैं। पहली है UPVC। ये खिड़कियां ज्यादा टिकाऊ नहीं होती मेरे हिसाब से, मैं इनके लिए आपको प्रेफर नहीं करूंगा, बशर्ते कि आप यदि अपना घर पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना चाहते हैं और यदि आप टाइम पास करने के लिए या समय निकालने के लिए या कुछ दिन के लिए आप मकान बना रहे हैं तो ये खिड़कियां आप बना सकते हैं, चला सकते हैं, लगा सकते हैं। दूसरी खिड़कियां आती हैं लकड़ी की। ये खिड़कियां बहुत लंबे समय तक टिकाऊ होती हैं, वर्षों वर्षों तक, पीढ़ियों पीढ़ियों तक चलती हैं। आपने देखा होगा शेखावाटी की हवेलियां, कभी मौका मिले तो मैं कहूंगा आप एक बार शेखावाटी की हवेलियां जरूर देखिएगा। शेखावाटी कौन से क्षेत्र को कहते हैं? राजस्थान में सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स का कुछ एरिया मिलाकर के शेखावाटी कहलाता है। और वहां की जो हवेलियां हैं उनमें लकड़ी की नक्काशी इतनी शानदार है कि आप देख के दंग रह जाएंगे। चौकटे हैं, मैन हवेली की मैन जो चौकट बनती है उसकी नक्काशी देख करके आप ताज्जुब करेंगे कि कितने दिनों में ये काम हुआ होगा और कैसे पुराने कारीगर जिनके पास बहुत कुछ औजार नहीं होते थे, मशीनें आज की बजाय वो 100-100 साल पहले की हवेलियां बनी हुई हैं, आज से सैकड़ों साल पुरानी हवेलियां, यानी मैं ये कह सकता हूं मैं 70 साल का हो गया, मेरी उम्र से पहले की हवेलियां बनी हुई हैं और आज तक उनकी लकड़ी की खिड़कियां, लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी की चौखटें वैसी की वैसी पड़ी हैं और उनका कलर तक फेड नहीं हुआ है, ये और समझिए आप। गजब का कलर करते थे वो लोग कि दीवारों पे जो कलर किया हुआ है वो कलर आजकल, उस समय मेरी समझ में ये एशियन पेंट फला दिखट ये नहीं आते होंगे 100-100 साल पहले, मगर उनका जो पेंट का कलर है वो आज भी फेड नहीं हुआ है। तो लकड़ी की खिड़कियां सबसे बेस्ट होती हैं, मगर लकड़ी की खिड़कियों में तीन कमियां होती हैं, ध्यान से सुनिए। पहली कमी यह है आज के टाइम में कि हर आदमी की पहुंच से बाहर है वो। आज के जमाने में लकड़ी बहुत महंगी पड़ती है तो हर आदमी की पहुंच से बाहर है। तो दूसरी बात कि लकड़ी की खिड़कियों में दीमक लगने के चांसेस रहते हैं, यदि मकान में साफ सफाई नहीं होती है, कहीं रेत वगैरह उनकी साइड में आ जाती है तो दीमक लगने की समस्या रहती है। और तीसरी बात कमी यह होती है कि यदि लकड़ी की पहचान आपको नहीं है और गलत लकड़ी आपको दी जाती है, मान लीजिए लकड़ी के जो फंटे आते हैं उनको आप चेक करके लेना पड़ता है आपको, उसमें सफेद वाला जो हिस्सा होता है वो कम टिकाऊ होता है, वो जल्दी गल जाता है, खराब हो जाता है, पानी लगने के बाद में धीरे धीरे वो 20-30 साल में खत्म हो जाता है, मगर जो मैन पेटी का जो लकड़ी का जो होता है उसका जो बादामी कलर का जो हिस्सा होता है वो बड़ा शानदार होता है और बहुत टिकाऊ होता है।
अब मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप सस्ते में मकान बनाना चाहते हैं तो आपको क्या लगाना चाहिए। आजकल एल्युमिनियम की खिड़कियां खूब चल रही हैं, मगर एल्युमिनियम की खिड़कियों में भी एक समस्या है कि वो मजबूत नहीं हो पाती। यदि आप किसी ऐसी कॉलोनी में रहते हैं जहां आपको मकान को कई बार लॉक लगा के छोड़ के जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थितियों में एल्युमिनियम की खिड़कियां सेफ्टी के लिहाज से ज्यादा बढ़िया नहीं मानी जाती। वैसे देखने में अच्छी लगती हैं, सस्ती भी पड़ती हैं, मगर वो इतनी टिकाऊ नहीं होती। यानी मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, सेफ्टी के लिहाज से वो ज्यादा बढ़िया मैं नहीं मानता। अब बात आती है कि अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं, कौन सी खिड़कियां आपके लिए मजबूत रहेंगी, बढ़िया रहेंगी। आयरन की खिड़कियां, यानी लोहे के एंगल, लोहे के पाइप से जो खिड़कियां बनाई जाती हैं, मजबूती के लिहाज से वो दी बेस्ट रहती हैं, कॉस्ट के लिहाज से भी वो सबसे सस्ती पड़ेंगी आपको। उसमें आप सेक्शन विंडो बनवा सकते हैं, वो कई तरह की होती हैं, केवल एंगल की बनवा सकते हैं, पाइप चौकोर पाइप की खिड़कियां भी बनती हैं, वो आप वो बनवा सकते हैं। ये आपके लिए सबसे सस्ती, सबसे ज्यादा मजबूत और आज के प्रचलन के हिसाब से ठीक हैं, बशर्ते कि आप मीडियम क्लास का घर बनाते हैं। और यदि आप सुपर क्लास का घर बनाते हैं, एक क्लास का घर बनाते हैं, तो आपको लकड़ी की खिड़कियां ही मैं प्रेफर करूंगा। आशा है आपको जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके और आप घर बैठे मेरे अनुभवों का फायदा ले सकें। नमस्कार।